ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं बात करूंगा सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ निशानियों के बारे में। अगर ऐसी स्त्री आपके घर में है तो आपको वो रंक से राजा बना देगी। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं। जिस भी घर में ये रहेंगी वहां पर सुख समृद्धि का वास होगा और चारों तरफ एक खुशी का माहौल रहेगा। आप देखेंगे कि शुभता उन घरों में बसी रहेगी जहां पर इस प्रकार की स्त्रियां होंगी। तो सबसे पहले आता है कि सुबह जल्दी उठने वाली और पूजा पाठ करने वाली। तो जो भी स्त्रियां सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं और भगवान का स्मरण करती हैं, उस घर में कभी भी दारिद्रता नहीं टिक पाती। इस पृथ्वी पर जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी शान शौकत है, जितने भी पैसा है, वो सारा कुछ माँ भगवती के अधीन है। अगर वो चाहे तो किसी को भी रंक बना दे और किसी को भी राजा। तो जिस घर में घर की सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और चीज़ें बेतरतीब नहीं पटकी होती, वहाँ पर जो है माँ भगवती का वास होता है और उस घर में माता सदैव वास करती हैं और अनचाहे रास्तों से वहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अपने घर की साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है। बड़ों का जहाँ पर सम्मान होता है, जो भी स्त्री बड़ों का सम्मान करती है, वहाँ पर माँ भगवती का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी ये गुण होंगे वहाँ पर माँ भगवती का वास होगा। और शीतलता होनी चाहिए स्त्री में। जितनी शीतल स्त्री होगी, जितनी उसमें शर्मलाज होगी, वो उतना ही माँ भगवती के समीप होगी। ऐसी स्त्रियाँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिन स्त्रियों के छोटे हाथ और छोटे पैर होते हैं वो माँ भगवती का स्वरूप ही समझिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ऐसा जो है मेल बहुत मुश्किल से मिलता है कि दोनों हाथ और दोनों पैर छोटे हों। और हथेली में, दाई हथेली में तिल होना ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर ये किसी भी स्त्री के हाथ में है तो समझिए पूरी उम्र भर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऐशो आराम के साथ आपकी जो ये ज़िंदगी है ये बीत जाएगी। अगर स्त्री की भाग्य रेखा प्रबल हो तो वो अपने पति की भी भाग्य रेखा उसमें जोड़ लेती है। अगर पति की भाग्य रेखा नहीं है और स्त्री की भाग्य रेखा है तो पति को भी उतने ही अवसर मिलते हैं भाग्य में। जो पत्नी की लाइन है वो हस्बैंड के साथ मैच हो जाती है, मतलब जो भाग्य स्त्री का होगा वही भाग्य फिर उनके हस्बैंड का भी हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद दोनों का जो भाग्य है वो एक हो जाता है। स्त्री में सबसे बड़ी बात होती है मांगलिक दोष का होना। अगर स्त्री मांगलिक दोष से पीड़ित है तो उसके साथ शादी कभी ना करें, भूल कर भी ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें शादी के 10 दिन बाद ही जो हस्बैंड है वो परलोक से धार गए। तो ज़रा सी भी कोताही ना बरतें इसमें और इस चीज़ को एक अड़िग साइंस ही लेकर चलिए कि ये कभी झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिनमें ऐसा होता है कि मांगलिक का बिना मांगलिक के साथ ब्याह हो जाता है, तो ये प्राणघातक ही रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक ढूंढिए, वरना मांगलिक का बिना मांगलिक के साथ कभी विवाह नहीं होना चाहिए। जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी होती है वो सौभाग्य की धनी होती हैं और वो अपने हस्बैंड को भी उतना ही सौभाग्य प्रदान करती हैं। अगर आपके हाथ में या फिर ये जो चिन्ह मैंने बताए हैं, अगर आप में भी ये दोष हैं तो माँ भगवती का स्मरण कीजिए, माँ भगवती की पूजा अर्चना में लग जाइए, तो ये सारे दोष जो हैं वो सारे नाश करके आपको सौभाग्य की धनी बना देंगी। मातेश्वरी की निरंतर पूजा करने वाला, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी जो भाग्य रेखा है वो भी मिट सकती है। माँ भगवती पलक झपकते ही कुछ भी कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए माँ भगवती की ध्यान में, माँ भगवती के उपासना में उनके व्रत रखिए और उनको रिझाने की कोशिश कीजिए। तो माँ भगवती आपको वो सब दे सकती हैं जो कि आपके भाग्य में भी नहीं होगा। अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है अल्प मृत्यु, लेकिन माँ भगवती चाहें कि आपकी जो है आयु और लंबी होनी चाहिए, तो उनकी जो आराधना है, उनकी जो भक्ति है, उससे आप वो चीज़ पा सकते हैं। माँ भगवती का स्मरण कीजिए और उनसे निरंतर मांगे जो भी आप चाहते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि माँ भगवती आपकी स्वतः ही सुनेंगी।
किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।